ऐसा नहीं होना चाहिए। आप पैर पे कुल्हाड़ी मारोगे अगर ऐसा करोगे तो, खुलेआम बोल रहा हूं, ऐसा करेगी दुनिया। आपको बताया जाएगा, अच्छा अच्छा देशबंधु में बीकॉम ऑनर्स में तेरी सीट ज्यादा है तो उसको एक काम कर, प्रेफरेंस शीट में ऊपर रख दे। गलत अप्रोच है, अगर आप इस अप्रोच को यूज करोगे गलत जाओगे। अब मैं दोबारा बता रहा हूं, यहां पे स्टूडेंट्स क्या गलती करेंगे, सर मेरा फेज टू में तो इतना कम सीट्स रह गई हैं, राउंड टू ऑफ काउंसलिंग भी स्टार्ट हो गया, इतनी कम सीट्स रह गई हैं, मुझे क्या करना चाहिए? जो भी आपको राउंड टू में सीट मिल रही है, सबसे पहले तो अपनी प्रेफरेंसेस रीऑर्डर करना शुरू करो। प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, ये दिख रहा है आपको यूजी, अब मैं आपको बताता हूं प्रेफरेंसेस रीऑर्डर करने की भी विंडो एक दिन के लिए खुल गई है। ये राइट टाइम है, राइट टाइम है अपनी प्रेफरेंसेस रीऑर्डर करने का। अगर आपको लगता है आपकी प्रेफरेंस शीट ढंग से नहीं बनी हुई, दिस इज द राइट टाइम टू ऑर्डर योर पर्सनलाइज प्रेफरेंस शीट, जिसमें आप श्योरिटी लो कि हाँ यार अब तो मैंने प्रेफरेंस शीट ऐसे बना लिया कि मेरा तो इस कॉलेज और कोर्स के कॉम्बिनेशन में एडमिशन होना ही होना है। यहां पर दिख रहा है आपको फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग, जैसे इसके ऊपर आप व्यू पे क्लिक करोगे दिख रहा है, मैं आपको बता रहा हूं कहां से रीऑर्डर हो सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर रीऑर्डर की विंडो कब ओपन होगी, हो चुकी है। जैसे ही आप UGAdmission.ac.ut.ac.in के ऊपर जाते हो, यहां पे देखो एक टैब, पहली बात तो आपके पास पूरी की पूरी वैकेंसीज की लिस्ट आ गई है, दिख रहा है ये पूरी की पूरी वैकेंसीज की लिस्ट आ गई है, टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने डाल दिया, कमेंट सेक्शन में लिंक है, उसको एक बार डाउनलोड करके देख लेना। अगेन बहुत ज्यादा सोच विचार करने की इसमें जरूरत नहीं है, बस ये देख लो जो प्रेफरेंस शीट में आपने ऊपर रख रखे हैं कोर्स और कॉलेज के कॉम्बिनेशन, उनमें सीट्स अवेलेबल है भी या नहीं है। अगर नहीं है तो घबराओ मत, जस्ट गो फॉर सेकंड राउंड, अगर है तो वेल एंड गुड, उसके हिसाब से आप थोड़ी बहुत रीऑर्डरिंग अपनी कर सकते हो। ठीक है जी, आपको जाना क्या है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा होगा रीऑर्डर हायर प्रोग्राम, ये दिख रहा होगा आपको रीऑर्डर हायर प्रोग्राम कॉलेज प्रेफरेंस। जैसे इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा, मेरी करंट एलोकेशन के ऊपर जितनी भी एलोकेशन मेरे को दे रखी है उनको मैं रीऑर्डर कर सकता हूं। दोबारा मैं बता रहा हूं, ऐसा नहीं हो सकता मेरे को 40th नंबर का कोर्स और कॉलेज का कॉम्बिनेशन मिल गया, अब मुझे 58th नंबर का दोबारा चाहिए, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। या मुझे सर 80th नंबर का मिला था, अब मैं जो 120 पे मेरे पास था, मेरे पास जो प्रेफरेंस शीट में नीचे था, क्या वो मुझे मिल सकता है? नहीं मिल सकता, कभी नहीं मिल सकता। क्या ये बात समझ आ रही है? ठीक है जी, ये देखो अब जो आपको प्रेफरेंस शीट के अकॉर्डिंग, आपकी इंडिविजुअल पर्सनलाइज प्रेफरेंस शीट के अकॉर्डिंग जो आपको प्रेफरेंसेस मिली हैं, वो सिर्फ अपर वाली प्रेफरेंसेस हैं। इसको अपग्रेडेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप जो भी करंट एलोकेशन आपके पास है उससे ऊपर जा सकते हो, उससे नीचे नहीं जा सकते। ठीक है जी, तो आपको करना क्या है, रीऑर्डर और सेव प्रेफरेंसेस कर लेनी है। आपको एक बार रिव्यू भी करने का मौका दिया जाएगा, फाइनली आप उसको सबमिट कर सकते हो। अब जैसे इस स्टूडेंट को जिसका मैंने ये पोर्टल खोल रखा है, इस स्टूडेंट को 40, देखो इन्होंने कितना अच्छा सॉर्ट कर लिया यार, आपके पास सिर्फ प्रेफरेंसेस दिखाई वो रखी है जो आपकी प्रेफरेंस शीट के ऊपर आ रखी है। मान लो इस स्टूडेंट को, आप देखो यहां पे प्रेफरेंस नंबर का 39 आ रहा है ना लास्ट में, मतलब इस स्टूडेंट को 40th नंबर का कोर्स और कॉलेज का कॉम्बिनेशन मिला था, इसके ऊपर जो इसने लग रखा है उसको ये रीऑर्डर कर सकता है, रीशफल कर सकता है। जैसे स्टूडेंट ने सबसे बड़ी गलती क्या कर रखी है, बीकॉम ऑनर्स को 36 नंबर पे डाल रखा है, रामानुजन को 35 पे, अरे ये सबसे ऊपर होना चाहिए, ये देखो हंसराज को सबसे ऊपर ले जाओ, अप डाउन कह रहा दिख रहा होगा आपको। आप कोई नई प्रेफरेंस ना ही ऐड कर सकते हो, ना ही कोई पुरानी प्रेफरेंसेस को डिलीट कर सकते हो, ये एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है जो सेकंड राउंड में अब आपको प्रेफरेंस शीट, अब देखो सेकंड राउंड आपका 10th अगस्त को आने वाला है, अब आपको प्रेफरेंस शीट रीऑर्डर करने का मौका दिया जा रहा है। रीऑर्डर की एक पॉलिसी है उसको ध्यान से समझो, ना ही रीऑर्डर करते हुए आप नए कोर्स और कॉलेज के कॉम्बिनेशन को ऐड कर सकते हो, ना ही रीऑर्डर करते हुए पुराने कोर्स और कॉलेज के कॉम्बिनेशन को डिलीट कर सकते हो। आई एम श्योर बात समझ आ रही है, सिर्फ और सिर्फ रीशफलिंग हो सकती है। जैसे यहां पे मान लो सबसे पहले हंसराज कॉलेज अगर आपने 36 नंबर पे लिख रखा था बीकॉम ऑनर्स का, तो आप मूर्ख हो यार, आपको प्रेफरेंस शीट बनानी नहीं आती है, बनाना सीखो, ये लास्ट मौका है, इसके बाद थर्ड मेरिट आएगी फिर खत्म। 16 अगस्त से आपके कॉलेज स्टार्ट है, एक हफ्ते बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज स्टार्ट है, इस समय भी अगर आप प्रेफरेंस शीट में गड़बड़ी करोगे तो प्रॉब्लम होगी। फिर मैं हिंदू कॉलेज को रखूंगा, किसको रखूंगा, हिंदू कॉलेज को रखूंगा, सेकंड नंबर पे मैंने रख दिया हिंदू कॉलेज। इसी तरह नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस, पहले जिस भी जो भी आपका प्रेफर्ड कोर्स है, उसी तरह जैसे भी आपका नॉर्थ कैंपस कॉलेजेस ऊपर आपको रखना है। अब आप बोलोगे सर हंसराज, अब बहुत सारे स्टूडेंट यहां पे बोलेंगे सर हंसराज बीकॉम ऑनर्स में तो एक भी सीट अवेलेबल नहीं है, तब भी आप उसको नंबर वन प्रेफरेंस पे रख रहे हो। प्यारे बच्चों सिर्फ और सिर्फ वैकेंट सीट्स कितनी अवेलेबल है उससे फर्क नहीं पड़ता। अब कोई बोलेगा सर एक बात बताओ, हंसराज बीकॉम ऑनर्स में जनरल कैटेगरी के लिए जीरो, ओबीसी के लिए जीरो, एससीएसटी के लिए जीरो है, यहां पे जीरो सीट्स अवेलेबल है, तब भी आप बीकॉम ऑनर्स हंसराज की नंबर वन प्रायोरिटी रख रहे हो? उसका आंसर है इट डज नॉट मैटर उसमें वैकेंट सीट है या नहीं है। अगर वैकेंट सीट होगी और उसको हमने प्रेफरेंस में कम नीचे रख दिया या ज्यादा ऊपर रख दिया, उससे फर्क नहीं पड़ता। प्रेफरेंस शीट और वैकेंसीज को जिस तरह आपको लिंक कर रहे हो गलत अप्रोच है। आपके पास वैकेंसी सीट सिर्फ बताने के लिए दिखा रखी है कि यार देख लो ये आपके चांसेस हैं,
इसके अकॉर्डिंग अगर आपको रीअरेंज करने है तो कर लो। आपको रीअरेंज करने का मौका इसलिए नहीं दे रखा, अच्छा अच्छा जिसमें वैकेंसी है उसको ऊपर रख दे। अच्छा ऐसे तो एक बात बताओ मेरी बात, आचार्य नरेंद्र देव बीकॉम ऑनर्स देखते हैं जी, आचार्य नरेंद्र देव बीकॉम ऑनर्स, आचार्य नरेंद्र देव बीकॉम ऑनर्स में जीरो अनरिजर्व सीट्स हैं, ठीक है कोई बात नहीं, किसी ना किसी कॉलेज में तो होंगी। बीआर अंबेडकर में देख लें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर में देख लें, ये देखो जी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर में देख लेते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बीकॉम ऑनर्स में 12 सीट है। इसका मतलब मैं भीमराव अंबेडकर बीकॉम ऑनर्स सबसे ऊपर रखाऊंगा? यार फिर तो बेवकूफी कर रहा हूं मैं, दोबारा मैं वही गलती कर रहा हूं जो मैंने पहले करी थी। अगर आप इस तरह अपनी अप्रोच रखोगे जो दुनिया आपको इस समय बताएगी, आपको लोग पागल बना रहे हैं जो कह रहे हैं वैकेंसी जितनी ज्यादा होंगी उतनी ऊपर तू रखियो प्रेफरेंस में, गलत इंफॉर्मेशन है, रॉन्ग इंफॉर्मेशन है। ऐसे तो यार एक बात बताओ, हंसराज बीकॉम ऑनर्स में ये वैकेंसी की लिस्ट मैंने आपके सामने खोल रखी है, हंसराज बीकॉम ऑनर्स में अनरिजर्व की 0 सीट्स हैं, भीमराव अंबेडकर की बीकॉम ऑनर्स में 12 सीट्स हैं। इसका मतलब क्या मैं अंबेडकर कॉलेज को हंसराज से ऊपर रख दूं बीकॉम ऑनर्स के लिए? क्या यार ये कैसी अप्रोच है? ये अप्रोच तो ये वही वाली बात है, आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज मिल जाएगा, फिर होगा क्या, हंसराज और हिंदू के चांसेस अगर बन भी रहे होंगे तब भी नहीं बनेंगे, तब भी नहीं मिलेगा। तो ये गलती बिल्कुल मत करना, अपनी वेकेंट सीट के हिसाब से अपनी प्रेफरेंस शीट में छेड़छाड़ मत करना। आपको दुनिया बोलेगी ये करने के लिए, क्योंकि व्यूज का गेम है सारा। आप समझो आपकी अटेंशन ग्रैब करना चाहते हैं, हमें सुनो, चाहे गलत इंफॉर्मेशन है बट हमें सुनो सब, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप पैर पे कुल्हाड़ी मारोगे अगर ऐसा करोगे तो, खुलेआम बोल रहा हूं ऐसा करेगी दुनिया। आपको बताया जाएगा अच्छा अच्छा देशबंधु में बीकॉम ऑनर्स में तेरी सीट ज्यादा है तो उसको एक काम कर प्रेफरेंस शीट में ऊपर रख दे। गलत अप्रोच है, अगर आप इस अप्रोच को यूज करोगे गलत जाओगे। सिमिलरली कोई अब एक स्टूडेंट है जिसको एलोकेट ही नहीं किया गया, एक स्टूडेंट है वो बोलता है सर मेरे को तो फर्स्ट प्रेफरेंस में कुछ मिला ही नहीं, फर्स्ट राउंड में कुछ मिला ही नहीं, मुझे क्या करना चाहिए? अरे आप अपनी प्रेफरेंस शीट कोर्स और कॉलेज के वर्थ के अकॉर्डिंग बनाओ, वेकेंट सीट्स के अकॉर्डिंग मत बनाओ। वेकेंट सीट्स के अकॉर्डिंग वही होगा, अच्छा भीमराव अंबेडकर बीकॉम ऑनर्स में तो 12 सीट अवेलेबल है उसको सबसे ऊपर रख लेता हूं, हंसराज बीकॉम ऑनर्स में तो 0 सीट अवेलेबल है उसको सबसे नीचे रख लेता हूं। अरे वेकेंट सीट्स अभी अवेलेबल 0 है, ऐसा भी हो सकता है एक राउंड के बाद उसमें 5 अवेलेबल हो जाए। आपको क्या पता है, जैसे यहां पे स्टूडेंट बोल रहे हैं सर 0 सीट लिखा है, सर 0 सीट लिखा है, फिर भी आप उसको प्रेफरेंसेस में भर रहे हो। अरे होपफुल रहो, ये कल का स्टेटस है, राउंड 1 का स्टेटस है ये। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहेंगे सर मैं तो टूट गया, क्या हो गया सर, 0-0 सीट्स अवेलेबल आ रही है, मुझे करना क्या चाहिए? आप स्कोप देखो, पहली बात तो बीए प्रोग्राम एक टाइम पे लोग इसमें एडमिशन नहीं लिया करते थे, बच्चे इसमें एडमिशन नहीं लिया करते थे, अब बीए प्रोग्राम के अंदर 0-0 सीट्स अवेलेबल है। इसका मतलब कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी से बच्चे स्मार्ट हो गए हैं, सीयूईटी एस्पिरेंट्स हैव बिकम स्मार्टर डे बाय डे, दे आर नॉट लेटिंग देयर सीट्स गो, दे आर नॉट लेटिंग देयर कोर्स एंड कॉलेज का कॉम्बिनेशन गो ऑफ। उनको जो फर्स्ट राउंड में मिला है उन्होंने उसको रिजर्व करवाया और अपग्रेड का ऑप्शन दबाया। अपग्रेड होगा या नहीं होगा वो सेकंड राउंड में पता लगेगा, सेकंड राउंड के बाद भी आपके पास अपग्रेड का ऑप्शन आता है। प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू।